हेलो साथियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल कृष्णदेव कुमार में। दोस्तों, आज का जो क्लास होने वाला है, इस क्लास में दोस्तों आपको हम जो है बायोलॉजी का जो चैप्टर नंबर 3 हम लोग कर रहे हैं, जीव जनन कैसे करते हैं, इसका पार्ट नंबर 4 आपको हम करवा रहे हैं, ठीक है। और ये दोस्तों क्लास जो है ये आपका जैक बोर्ड जो कि सेशन 2020-21 क्लास 10th वाले जो भी बच्चे हैं उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होने वाला है। और इससे पहले दोस्तों हमने इस चैप्टर का 3 वीडियो आपको प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है। तो ये चौथा पार्ट आपका होने वाला है। इसमें दोस्तों हम लोग जो है सो क्या क्या चीज़ को पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जब यौना आरंभ होता है उससे पहले, ठीक है, या फिर उस समय, ठीक है, यौना आरंभ के समय लड़कियों में होने वाला चेंजेस, जो परिवर्तन होता है, वो कौन कौन सा परिवर्तन होता है। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो आप लोग को ध्यान रखना है ये सब चीज़ को। इसके बाद लड़कों में क्या क्या चेंजेस होता है, ठीक है, उम्र बढ़ने के साथ साथ लड़कों में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलता है, ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। अभी तक ये पूछा गया है, एक दो बार ये पूछा गया, लेकिन ज़्यादातर ये ही पूछा जाता है लड़कियों से संबंधित ही, ठीक है। ये आपका जो है सो पूछेगा, तो आप लोगों को हम यह दोनों करवा रहे हैं, तो आपको जो है सो लिख देना है, आसानी से आप लोग लिख लीजिएगा। यहाँ पे अभी हम आपको समझाएंगे इसको, अपने जनरल मतलब कि अपने लाइफ से देखिएगा अटैच करके, तो आपको आसानी से ये याद हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद वृषण यानी कि पेनिस का कार्य यहाँ पे हम लोग देखेंगे। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे नहीं हो रहा था तो इसको हम ये वाला आपको हम बता देते हैं इतना। इसके बाद यहाँ पे हम लिख देंगे, जो आगे हम लोग बताएंगे वो आपका जो है सो अगला जो टॉपिक्स होगा, ठीक है, वो उसमें हम लोग देखेंगे कि जो भ्रूण यानी कि जो बच्चा होता है माँ के गर्भ में, जो बच्चा होता है कहाँ पे होता है, गर्भ में होता है, जैसा कि हमने आपको बताया भी था, गर्भाशय में होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं यूट्रस, ठीक है। यूट्रस में जो है सो जो भ्रूण है उसका विकास होता है, तो उसको विकास के लिए क्या चाहिए, भोजन चाहिए, और उसको भी तो खाना चाहिए, ये सब कुछ चाहिए। तो इसका पोषण कैसे होता है इसको हम लोग देखेंगे इसके बाद में, ठीक है। तो आइए दोस्तों हम लोग एक एक करके देख लेते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले बात करेंगे यौना यौनारंभ के समय लड़कियों में होने वाला चेंजेस यानी कि परिवर्तन का बात कर लेते हैं। तो क्या होता है, पहला है जनन हार्मोनों का बनना प्रारंभ हो जाता है, जनन हार्मोन का बनना प्रारंभ यानी कि स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। सेकेंड है देखिए अस्तनों में वृद्धि होने लगता है, ठीक है, अस्तनों में वृद्धि होने लगता है यानी कि उसमें उभार आने लगता है, ठीक है। तीसरा है जननांगों एवं पूरे शरीर पर रोम में वृद्धि, ठीक है, हमारे शरीर पे बॉडी पे जो छोटे 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 जो जिसको हम लोग बाल बोलते हैं, ठीक है, छोटे छोटे जो हेयर होते हैं, ठीक है, उसको हम लोग रोम बोलते हैं, ठीक है, रोमा जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है, गाँव देहात के लोग उसको क्या बोलेंगे, रोमा बोलेंगे, ठीक है। तो ये सभी जो है जननांगों एवं पूरे शरीर पे जो है सो इनमें वृद्धि होने लगता है, ठीक है। स्टार्टिंग में तो नहीं होता है जब हम लोग का एज कम होता है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग का एज यौना आरंभ का समय ये लगभग जो ये जो उम्र है ये 12 के बाद से प्रारंभ हो जाता है, ठीक है, 12 ईयर के बाद से, ठीक है, ये सभी चेंजेस देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बाद जो अगला है पॉइंट ये है माहवारी, माहवारी यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं मंथली सर्कुलेशन, ठीक है, मतलब ये जो है सो मंथ में होने वाला एक नेचुरल जो है सो ये प्रक्रिया है, और ये जो है लगभग 12 से 14 साल के एज में प्रारंभ हो जाता है, और लगभग 40 से 50 तक होता है, 40 लगभग हम लोग मान के चलते हैं 40 इयर्स तक जो है सो ये होता है, ठीक है। तो उतना आपको ध्यान नहीं रखना है, आपको ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे लड़कों में होने वाला परिवर्तन, लड़कों में होने वाला परिवर्तन क्या क्या होता है, तो हम लोगों में क्या क्या चेंजेस होता है, तो दाढ़ी और मूंछ निकलना प्रारंभ हो जाता है। कब होता है ये, जब देखिएगा दोस्तों आप लोग मैट्रिक का एग्जाम यहाँ पे देने वाले होइएगा तब, किसी किसी का, ठीक है, जो जल्दी देते हैं सो, और कोई कोई का 9th या फिर 8th में ही आ जाता है। इसका जो उम्र का बात करेंगे तो उम्र होता है ये लगभग हम लोग देखें तो 13 से लेकर के 15 साल के बीच तक ये निकलना प्रारंभ हो जाता है, उतना नहीं होता है लेकिन स्टार्टिंग हो जाता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है दूसरा पॉइंट, आवाज में भारीपन आ जाता है,
आवाज़ में भारीपन जो है सो आना प्रारंभ हो जाता है और आवाज़ थोड़ा भारी होता है। जब हम लोग बच्चा रहते हैं तो क्या होता है कि हमारा आवाज़ जो है सो पतला होता है, मीठा होता है। देखिएगा आप लोग कोई भी बच्चा से कुछ भी वो बोलेगा तो एक मतलब उसका जो आवाज़ होता है वो बहुत मतलब कि स्वीट होता है, और जैसे जैसे हम लोग बड़े होते हैं तो आवाज़ में थोड़ा भारीपन आ जाता है। ठीक है, तो आवाज़ में भारीपन, ठीक है। तीसरा पॉइंट है कि पूरे शरीर पर रोम निकलना प्रारंभ हो जाता है। पूरे शरीर मतलब जननांग और जो अन्य बॉडी पार्ट्स हैं उस पर, जैसे हाथ में, पैर में, ये सभी में पूरा जो है सो आपका जो रोम है, जिसको रोमा हमने बताया था, वो निकलना प्रारंभ हो जाता है। इसके बाद अगला है शुक्राणु का निर्माण प्रारंभ हो जाता है, शुक्राणु बनना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ तक आप लोगों ने देख लिया लड़कों में क्या क्या चेंजेज होता है, लड़कियों में क्या क्या चेंजेज होता है, और अब हम लोग देखते हैं ब्रेसन यानी कि पेनिस का क्या क्या कार्य होता है। पेनिस के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इसका जो मेनली जो प्रमुख कार्य है वो है यहाँ पे, यह जो है शुक्राणु को जो है मादा जननांग तक जो है सो पहुँचाने का कार्य करता है। और मादा जननांग के पहुंचाने मतलब कि ये जो शुक्राणु है इसको ब्रेसन जो है पहुंचाता है कहाँ पे, तो मादा जननांग तक पहुंचाता है, उसके बाद ही निषेचन का क्रिया होता है। तो निषेचन को हमने समझा दिया है, निषेचन होता है तो फिर जो है आपका क्या बनता है, जाइगोट बनता है, जाइगोट से भ्रूण बन जाता है और भ्रूण से फिर बाद में बच्चा बन जाता है। पिछले क्लास को आप लोग देखे होइएगा तो आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोग से अनुरोध है कि नहीं देखे हैं तो एक बार देख लीजिए, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पे पहला हमने देखा कि यह शुक्राणु को मादा जननांग तक जो है सो मादा जननांग तक क्या करता है, पहुँचाता है। और अगला दूसरा जो पॉइंट है ये है, यह मूत्र का जो है सो उत्सर्जन करता है। इसके मतलब कि ये जो है सो मूत्र का जो है उत्सर्जन का जो मतलब कि कार्य करता है, ठीक है। तो ये भी लिख सकते हैं, दो कार्य हम लोग लिख देंगे इसमें और ऊपर में इसमें आपको लिखना होगा कि ब्रेसन के निम्नलिखित कार्य हैं, ये सब कुछ आप लोग लिखिएगा ताकि इसका जो है सो यहाँ पे 4 से 5 लाइन हो जाए, ठीक है। और इतना काफ़ी होता है, और ये क्वेश्चन आपका ज़्यादा में पूछेगा भी नहीं, 2 नंबर 3 नंबर में पूछेगा, ठीक है। तो 2 नंबर में 2 पॉइंट, इसको चाहें तो अपने अनुसार से इसको थोड़ा बड़ा करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे होता है भ्रूण का जो पोषण है वो कैसे होता है, चलिए आइए उसको भी हम अब आइएगा दोस्तों हम लोग समझ लेते हैं कि जो भ्रूण का पोषण है ये कैसे होता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले 2 पॉइंट जो ऊपर में लिखे हैं ये आपको अगर 1 नंबर में पूछेगा भ्रूण का पोषण, ठीक है, तो आप लोग लिख दीजिएगा कि माँ के रक्त के द्वारा होता है भ्रूण का पोषण, ठीक है। 1 नंबर में अगर क्वेश्चन पूछता है तो ठीक है, जैसा क्वेश्चन पूछेगा हम लोग आंसर वैसा ही देंगे। 1 नंबर में पूछेगा तो छोटा आंसर देंगे, अगर 2 नंबर में पूछेगा तो उससे बड़ा देंगे, और 5 नंबर में पूछेगा तो और भी बड़ा आंसर देंगे, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। देखिए 1 नंबर में पूछता है भ्रूण का पोषण कैसे होता है, तो माँ के रक्त के द्वारा जो है सो भ्रूण का पोषण होता है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे एक क्वेश्चन अगर ये पूछता है कि भ्रूण जो होता है वो किसके द्वारा जो है माँ के गर्भ में जो है सो किसके द्वारा जुड़ा होता है, तो ये होता है प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के द्वारा जुड़ा होता है और इसी के हेल्प से इसको जो पोषक तत्व है वो प्राप्त होते रहते हैं। चलिए आगे हम लोग समझ लेते हैं अच्छे से, ठीक है। देखिए प्लेसेंटा का एक सिरा माँ के गर्भाशय में धंसा, ठीक है, माँ के गर्भाशय में धंसा होता है, ठीक है, धंसा होता है माँ के रक्त में उपस्थित ग्लूकोज, ठीक है, रक्त से जो उसमें जो उपस्थित ग्लूकोज है और जो ऑक्सीजन है और अन्य जो पोषक तत्व हैं, तो जो पोषक पदार्थ हैं, ठीक है, वो अवशोषित होकर के प्लेसेंटा के माध्यम से रक्त के साथ जो है भ्रूण में पहुंचते हैं, ठीक है, भ्रूण में पहुंचता है और इस तरह से भ्रूण का पोषण होता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपका, हमने ये तो आपको पहले ही बता दिया है हमने कि जो भ्रूण का विकास होता है ये कहाँ पे होता है, तो ये आपका गर्भाशय में होता है, ठीक है। तो आप लोग को याद रखना है, इंग्लिश में रहेगा यूट्रस, ठीक है, किसमें, यूट्रस में होता है भ्रूण का विकास। पोषण की बात करेंगे तो पोषण किसके हेल्प से होता है, प्लेसेंटा के हेल्प से होता है, और किसके द्वारा होता है,
तो ये माँ के रक्त के द्वारा जो है सो इसको पोषण। तो दोस्तों अभी आपने देखा कि कैसे जो है भ्रूण का पोषण कैसे होता है, जो जब जो है भ्रूण गर्भ में होता है, जब यूट्रस में होता है तो कैसे होता है भ्रूण का पोषण, ये आपको हमने समझा दिया। और इसके बाद दोस्तों जो टॉपिक्स बच गए हैं वो सभी को हम लोग दोस्तों अगले क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो आज के क्लास को यहीं पे रखते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और अभी तक दोस्तों आप लोग जो है सो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही क्लासेज आपको लगातार देखने को मिलेगा। और आपके लिए दोस्तों इससे भी अच्छा अच्छा हम जो है सो क्लासेज लेकर के आएंगे। आप लोग अपना सुझाव और अपना जो है फीडबैक आप लोग जो है सो कमेंट बॉक्स में अवश्य दिया कीजिए। आपके फीडबैक का हमको इंतजार होता है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फीडबैक देंगे तो हम जो है सो और भी ज़्यादा जो है इसमें सुधार कर पाएंगे। दोस्तों देखिए अभी यहाँ पे एक लाइट आ रहा होगा, ये इसको हम जो है सो बहुत प्रयास किए हटाने का लेकिन अभी नहीं हो पा रहा है। इसको देखते हैं कि क्या क्या इसमें कुछ करना पड़ेगा तो हटेगा। और अभी कैसा है वीडियो का क्वालिटी आप लोग बताइएगा, और कुछ भी आप लोग को अगर प्रॉब्लम्स आ रहा है तो आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि हम उसको दूर कर सकें, ठीक है। तो चलिए थैंक यू, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।